तेजस्वी जी देखिए लोगों के साथ जो है यहाँ पे ये कर रहे हैं। तेजस्वी जी आप लोगों ने जो एक जातीय जनगणना की जो एक शुरुआत की थी सर, आज उसकी शुरुआत हो गई है सर। चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, जहां वैशाली में नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान लोगों से फाइलें ले रहे थे और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, वहीं हमने देखा कि तेजस्वी यादव का स्टार्डम, महिलाएं उनके बगल में खड़ी होकर आहा क्या तस्वीरें खिंचवा रही थी, सेल्फीज लिए जा रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही मीडिया तेजस्वी जी के पास आई, उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं, हमारा पर्पस जो है वो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है और कहीं ना कहीं ये हमारा जो मकसद है जिसलिए हम चल रहे हैं वो ये है कि हम ग्राउंड रियलिटी को समझ पाएं। जब हमारे संवाददाता गौतम ने उनसे पूछा कि और उन्होंने जब पूरा जायजा लिया तो भी उन्होंने यही बात कही है और उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि इन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, हमारे यात्रा का पर्पस भी यही है और हम लोग पूरी जो इस यात्रा में निकले हैं, उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो पर्पस है, मतलब उद्देश्य है कि हम लोगों के प्रॉब्लम को समाधान निकाल पाए और जो समस्याएं, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आम लोगों की समस्याएं हैं, जो अधिकारियों से परेशान हैं या मंत्रियों से जो लापरवाहियां हो रही हैं उनके उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसको लेकर भी वो। लेकिन बहरहाल नजारा बड़ा सुंदर था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां फाइल्स ले रहे थे, देख रहे थे, उसमें गुथी हुई समस्याओं को देख रहे थे। तेजस्वी यादव जवानी का रंग और थोड़ा बहुत उनका स्टार्डम है वैसा कि लोग उनको पसंद करते हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने में। आपको याद होगा कि जब निकाय चुनाव था तो भी लोग खड़े होकर उनके साथ तस्वीरें एक फैन की माफिक खिंचवा रहे थे, तो अच्छा लगा ये देखकर, ये नजारा बढ़िया था और कहीं ना कहीं उसमें एक सुंदरता थी। लोगों का प्यार बहुत कम नेताओं को इस लेवल का मिलता है कि लोग उनके फैंडम में चले जाएं, उनके स्टार्डम में चले जाएं, तो हमने यहां कि वो थोड़ा सा वो नजारा था, महिलाएं खड़ी थी उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी जिसमें सेल्फी भी था, उनके साथ लोग ले रहे थे। लेकिन अपने यात्रा के मामले में वो पूरी तरह से सजग दिख रहे थे क्योंकि जैसे ही मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा वो बिल्कुल उसी मोड और उसी जोन में आ गए जिसमें एक इस तरह की यात्रा करने वाले एक नेता को होना चाहिए। तो ये वीडियो वैशाली से था, ये बड़ा सुंदर था और पूरा जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पर हमारे संवाददाता गौतम ने हमें बनाई है और दिखाई है, जो आप देख रहे हैं, ये जो चीजें हैं आप देख रहे हैं उसमें जी को जो दिया गया वो ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। एक एक कर देखिए जो लोगों की जो कही जा सकती है कि हाथ में जो आवेदन थी वो आवेदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे। और देखिए मुख्यमंत्री अभी भी जो है ज्ञापन जो है वो ले रहे हैं, लोगों की बात को सुन रहे हैं जो लोग वहां तक पहुंचे हैं। देखिए संख्या बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ है, उस स्थिति में जो कहा जा सकता है जो कहा जा सकता है कि एक भीड़ है। तेजस्वी यादव भी जो है हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है देखिए तेजस्वी यादव भी हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक बोल रहे हैं मार्च में होगा, पूछिए ना सर। तेजस्वी जी देखिए लोगों के साथ जो है यहाँ पे ये कर रहे हैं। तेजस्वी जी आप लोगों ने जो एक जातीय जनगणना की जो एक शुरुआत की थी सर, आज उसकी शुरुआत हो गई है सर। तेजस्वी यादव जी थे और तेजस्वी जी हाँ नहीं नहीं काम सर जी आग्रह है आप जहाँ भी रहिए गरीबों का आप हमेशा ख्याल रखिए। चलिए चलिए हो गया नहीं नहीं आके लोगों से संवाद करना, उनके समस्याओं का समाधान करना, यही यात्रा का पर्पस है। और आज तो आप जान रहे हैं कास्ट बेस्ड सर्वे की भी शुरुआत हुई है, आशा हाउस काउंटिंग की शुरुआत होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा और एक समाधान को लेकर जो कहा जा सकता है कि जो बात है वो समाधान को लेकर जो है तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने जातीय जनगणना की भी जो शुरुआत बिहार में हुई है उसको लेकर भी जो है खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महज कुछ
मीटर की दूरी पर। तो अगर आप ये हमारे प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं कशिश न्यूज के, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसको सोशल साइट्स पे देख रहे हैं यानी फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और खबरों से बाखबर रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर। हम आपके सामने खबरों की ऐसी झड़ी लगाते रहेंगे जो आपको जाननी जरूरी है। बने रहिए कशिश न्यूज।